बात ग्रेट राज कपूर की और उनके बेटे ऋषि कपूर की, फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के हर शॉट के बाद राज कपूर बोलते, तुमने शॉट तो बहुत अच्छा दिया पर कुछ कमी रह गई। ऋषि कपूर अगले सीन में फिर कोशिश करते कि वो पिछले शॉट से बेहतर हो, लेकिन हर बार यही डायलॉग सुनने को मिलता, कुछ कमी रह गई। अब ऋषि कपूर इस बात से बहुत टेंशन में आ गए। सोचने लगे, सब लोगों को काम बहुत पसंद आ रहा है, पापा का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। पापा को, राज कपूर साहब को क्यों कमी नजर आती है और हमेशा कमी नजर आती है। खैर, ये सिलसिला चलता रहा, फिल्म बनी, रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर से जब आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा कि अब तो बोल दीजिए कि मैंने अच्छा काम किया। पापा राज कपूर ने अवार्ड के लिए बेटे को बधाई दी और बधाई देने के बाद फिर वही सेम, काम तो अच्छा था मगर थोड़ी कमी रह गई थी। बेटे ऋषि कपूर के सब्र का बांध टूट गया। हिम्मत जुटाकर पिता से पूछ ही डाला, पापा किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आई, आपको ही नजर आती, आप हमेशा यही बोलते हैं, क्या कमी है। बड़े प्यार से राज कपूर, ग्रेट राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को समझाया कि जब वो छोटे थे, जब वो पापा पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया करते थे और यही सवाल पूछा करते थे अपने पापा से जो ऋषि तुम आज अपने पापा से पूछ रहे हो, तब पापा पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें कहानी सुनाई थी। वो कहानी ये थी, एक नट हुआ करता था कलाबाज, वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर लोगों के लिए कई प्रकार की कलाबाजियां करता था। ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलना, बैलेंस करना, बड़े लंबे बांस से करतब दिखाना वगैरह वगैरह। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी यही अपना लिया। बेटा जो भी करता लोग तालियां बजाते, खूब पैसा देते, लेकिन बाप हमेशा ये कहता था, बहुत अच्छा किया पर थोड़ी कमी रह गई। उस लड़के ने और मेहनत की, और पैसा कमाया और लोगों की तालियां पाई, फिर भी बाप एक ही बात कहता था, कुछ कमी रह गई। बेटा नाराज हुआ और उसने अपने बाप से लड़के कहा कि वो आज से ये सब कहना बंद कर दे। उस दिन के बाद से बाप ने बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन रस्सी पे चढ़ने के दौरान, ध्यान भटकने के दौरान, वो बेटा रस्सी से नीचे गिर गया। ये कहानी सुनाकर राज कपूर ने ऋषि कपूर से कहा, इस कहानी से मुझे जो सीख मिली है, मैं चाहता हूं कि वही सीख तुम्हें भी मिले और तुम भी अपने काम पर गर्व करके उसे और बेहतर करने की कोशिश करो और कभी भी किसी चीज को कैजुअल लेना शुरू ना कर दो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर।